नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं बिंद्रा बाजार के मई खड़गपुर में। यहाँ पे आज आए हुए थे आकाश आनंद जी, बहुजन समाज पार्टी के जो उत्तराधिकारी हैं। यहाँ से जो इंदु चौधरी हैं काफ़ी एक्टिव हैं और उनकी लहर काफ़ी तेज है, बहुत इस क्षेत्र में काम अच्छा कर रही हैं। तो यहाँ के लोगों से बातें करेंगे, इनका क्या कहना है, कौन कौन से मुद्दे होंगे और कैसा चुनाव का माहौल है। नाम क्या हुआ आपका? लक्ष्मण कुमार। कहाँ से आए हैं आप? मैं मुबारकपुर विधानसभा। क्या आज क्या कार्यक्रम था और जो है कि आकाश आनंद जी आए हुए थे तो कितना संतुष्टि मिला आप लोगों को? संतुष्टि बहुत मिला, आर्थिक मिनरल निशान वाला बटन दबाना है, सबको विजयी बनाना है। हाँ। बहुजन समाज पार्टी को विजयी बनाना है। बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी प्रधानमंत्री बनती हैं तो ऐसा कौन सा काम करेंगी जो देश हित में अच्छा हो? शिक्षा पे पहले काम करेंगी, बेरोजगारी पे काम करेंगी। हाँ, शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा पे विकास करेंगी और सर समाज को लेकर चलेंगी। उनका नाम क्या हुआ आपका? रवि प्रकाश। कहाँ से आए हैं? मुबारकपुर विधानसभा। अभी इस कार्यक्रम में आए हुए थे तो आकाश आनंद जी से मिलना हुआ, देखना हुआ? उनको देखने के बाद यहाँ पर जितने भी युवा साथी हैं सबको जोश आ गया और उम्मीद हो गई कि बहन जी प्रधानमंत्री बन करके दिल्ली पर आसीन होगी, शासन करेंगी। युवा की बात कर रहे हैं तो एक हुआ युवा और भी है जो क्या बोलते हैं उनका, चंद्रशेखर रावण आजाद जी हैं, वो भी युवा में काफी एक्टिव रहते हैं, काफी पॉपुलर हो गए हैं। क्या लगता है कि आकाश आनंद जी और देखिए उन दोनों का कोई कंपटीशन नहीं है, उनका भी सम्मान है, हमारे दलितों के वो भी नेता है, लेकिन इस समय देश पर अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रही है तो बहुजन समाज पार्टी, जो उसी के उत्तराधिकारी है हमारे आकाश आनंद जी। इसलिए दलितों में जो एक आइकन के रूप में देखा जा रहा है, एक नेता के रूप में देखा जा रहा है, आकाश आनंद जी को देखा जा रहा है। नाम क्या हुआ आपका? उत्तम कुमार। नाम कहाँ से आए हैं? जमीन मोहम्मदपुर से, चुनाव चौक पर। यहाँ पे आए हुए थे, आकाश आनंद जी का कार्यक्रम था, एक युवा है और कहीं ना कहीं युवा युवाओं में जोश भरते हैं। क्या लगता है कि कैसा रहेगा चुनाव 2024? बहुत बढ़िया, पूरा जीता था हमने, कॉन्फिडेंस है, पूरा कॉन्फिडेंस है। सीट निकलेगी प्रधानमंत्री के रूप में भी जीता था या फिर यहाँ इंदु चौधरी के रूप में जीता? इंदु चौधरी तो पहले निकल था, अब प्रधानमंत्री तो बाद में देखा जाए। मायावती बना था जी। अच्छा, इंडिया गठबंधन की बात करें, तीन दल हो गए, एक तरफ इंडिया गठबंधन में बहुत सारे नेता हो गए और एक तरफ एनडीए हो गए जिसमें मोदी जी मेन फेस में है, एक मायावती जी अकेले इंडिविजुअल लड़ रही हैं। क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी होगा? क्या लगता है किसका पलड़ा? एक तरफ इंडिया गठबंधन हो गया जिसमें बहुत सारे नेता है, कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है उत्तर प्रदेश, वोट बटेंगे, कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है, जो भी है सपा का मतलब है यहाँ। लेकिन ये सही टक्कर कांग्रेस सपा से कहाँ टक्कर है, हम लोग बीजेपी से लड़ रहे हैं। आप लोग बीजेपी से? हाँ, बीजेपी से लड़ रहे हैं। हम तो बसपा के वो कार्यक्रम में आए हुए हैं, बीजेपी से बसपा लड़ रही है, बसपा बीजेपी हम लोग लड़ रहे हैं, और सपा कहाँ लड़ रही है यहाँ सपा? ये आपने एक अंदर की बात कह दी है कि बीजेपी और बसपा एक साथ हो गई है, जो कि अंदर कैसे आप लोग यही अभी काम मीडिया, आप लोग भी काम अंदर अंदर की बातें चल रही है, अंदर अंदर की बातें चल रही है कि अगर जो है कि मायावती जी हो सकता है कि मोदी से हाथ मिला ले। क्या लगता है मिला? नहीं, सुनिए बहन जी की, जहाँ तक आपने बात किया कि बहन जी अगर भाजपा से हाथ मिला, बातें आ रही है ऐसा देखने पे कहीं से नहीं लगता। मैं बता रहा हूँ आपको, जयंत चौधरी जब विधानसभा का चुनाव आता है तो समाजवादी पार्टी से मिल जाते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी समाजवादी पार्टी से मिल जाते हैं, दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से मिल जाते हैं, लेकिन जब केंद्र का चुनाव आता है तो ये लोग भाजपा के साथ मिल जाते हैं। मतलब भाजपा की मिली भगत होती है कि आप जब उत्तर प्रदेश की सरकार में आइए, उत्तर प्रदेश का चुनाव विधानसभा का, तो आप लोग उनके साथ चले जाइए ताकि लोगों को डाइवर्ट कर दीजिए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी जो अकेले दम पर चुनाव लड़ती है और हमेशा एक विचारधारा पर काम करने का काम करती है। और रही बात जैसे आप जो आप कह रहे हैं बहन जी का भाजपा के साथ तालमेल, ऐसा कहीं आप बता दीजिए, एक भी सबूत बताइए कि जिससे तालमेल मिलता हो। आप जब विधानसभा का जो चुनाव हुआ, जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तो उसमें आपने देखा होगा कि समाजवादी परिवार के इकट्ठे लोग जाके बधाई दिए, आधी समाजवादी पार्टी बीजेपी है। मेरी बात देखिए, भाजपा का भाजपा परिवारवाद है, वही लोग चुनाव लड़ेंगे, पांच सदस्य जो है कि समाजवादी परिवार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या बताइए? ये लोकतंत्र में वो संविधान की बात करते हैं और परिवारवाद खुद करते हैं, दूसरे पर आरोप भी लगाते हैं। बी टीम खुद है, बी टीम वो खुद है, उनका पूरा परिवार उसी में है। कहाँ है बड़ा जी? उसी में है। कहाँ है वो? भारतीय जनता पार्टी में। और हमको कहते हैं कि नहीं, बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। अच्छा, ये आप
भाजपा से जितना गठबंधन हुआ था विधानसभा के चुनाव में, वो सारे लोग आज भाजपा का नाम है कि समाजवादी पार्टी के साथ में थे, फिर का नाम विधानसभा चुनाव में, फिर वही लोग फिर भाजपा के साथ फिर गठबंधन कर लिए, ओम प्रकाश राव, जयंत चौधरी का नाम और दारा सिंह चौहान, जो जिन लोगों से अखिलेश यादव गठबंधन किए हैं वो लोग पहले बीजेपी से मिले हुए हैं, ठीक है, और जैसे चुनाव खत्म हो जाएगा वो लोग चले जाएंगे बीजेपी के पास और अखिलेश यादव अकेले रह जाएंगे, घंटा बजाएंगे, और इसीलिए बहन जी सबसे सबके बारे में जानती, इसलिए पिछली बार मायावती जी ये संगठन के बीजेपी के जो संगठन के जो राजनीति करते हैं वो उनकी गुंडागर्दी बता रहा हूँ आपको। पूरे उत्तर प्रदेश में 11% यादव है, और ठीक वो क्या करते हैं कि जयंत चौधरी को भेजते का नाम है समाजवादी पार्टी में गठबंधन के लिए, तो कहते हैं कि भाई आप अगर इधर चले जाएंगे तो 20% मुस्लिम इधर जुट जाएंगे, तो उसमें से कुछ परसेंट का नाम बसपा काट लेंगे, कुछ परसेंट सपा में चले जाएंगे, तो ये लोग डिवाइड हो जाएंगे, तो और 9% और 11% और 20% मिला के 31 और 29% हो रहे हैं ना, लेकिन 20% दलित को और 20% मुस्लिम को जोड़ दिया तो 40% हो जाते हैं, ये आरएसएस की और बीजेपी वालों की मिली भगत है, इसलिए जानबूझ के लोग बीजेपी के साथ और का नाम समाजवादी पार्टी के साथ में जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान गठबंधन करते हैं, बार बार भाजपा के साथ नहीं करते हैं। अभी हमने कहा कि भाजपा का, अरे मायावती जी का लगता है कि मोदी जी से हाथ मिलाने वाली है, ये बात गुड्डू जमाले खुद बोले थे जब वो बहुजन समाज में थे और सपा में हो गए। अगर जिस दिन मैं आपके खुले मंच पे 100 लोगों के बीच में कहता हूँ, जिस दिन बहुजन समाज पार्टी भाजपा के साथ में गठबंधन करती है, मैं उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा। मैं ये तो मायावती जी ने कहा, जिला पंचायत सदस्य हूँ, सरासगर माल्टारी और वेलफेयर संघ एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, आजमगढ़ जिला अध्यक्ष। ये तो मायावती जी ने भी कहा था ना कि मैं सपा के साथ कभी गठबंधन नहीं करूंगी, पिछली बार किया था उन्होंने। किसके साथ? अखिलेश समाजवादी के साथ, जब उनकी विचारधारा, जब उनकी कुर्सी धोई गई, जब उनको ये पता चला कि वो भी बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं, तब उनके साथ में गठबंधन हुआ। और भाजपा के साथ में हमारा जमीन आसमान का, वो अगर हम आसमान पे तो जमीन पे, या वो जमीन पे तो हम आसमान पे, बहुत जमीन आसमान का फर्क है, बहुत तालमेल हम लोग, बहुत दूरी है। जो गुड्डू जमाली की बात करिए, वो एक धन्ना सेठ हैं, व्यवसायिक हैं, जहां उनकी दुकान चलेगी वहां वो चले जाएंगे, और ये पैसे पे बिके हुए, पैसे पे बात रखने वाले कुछ चमचे हैं, और बहुजन समाज पार्टी नेताओं को बनाने वाली फैक्ट्री है, और हम लोग पुर्जा है, जिसको चाहेंगे उसको नेता बनाएंगे। अच्छा सही कहा आपने, अगर नेता बनाने वाली या विधायक सांसद बनाने वाली फैक्ट्री है, यही काम सेम हुआ है अंबेडकर नगर में, रितेश पांडे जी थे है ना, वो भी पहली बार इनके साथ में आए, उसके बाद जीत गए तो भाजपा में चले गए, सभी लोग लाभ लेते हैं हमें से, सभी लोग लाभ लेते हैं। सविता आजाद जी थी, वो भी जीत गई थी यहाँ से, उसके बाद ये भाजपा के चक्कर में चली गई, टिकट भी नहीं मिला, ऐसे ही बहुत सारे नाम उदाहरण में है। क्या लगता है कि ये शांति, क्या लगता है बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बसपा एक समाप्त की तरफ पार्टी हो गई है, कभी भारतीय जनता पार्टी भी 4 सीटों पे रहा करते थे और 70 साल सत्ता से दूर थी, कहीं कहीं दिखाई नहीं थी, और मैं बताते चलूं कि बहुजन समाज पार्टी पार्टी के साथ एक मिशन मूवमेंट को चलाने वाली पार्टी है और कैडर बेस पे चलने वाली पार्टी है, और मिशन मूवमेंट और जो विचारधारा है कभी मरता नहीं है, और माननीय मसीहा कांशीराम साहब कह के गए थे कि सत्ता आती है सत्ता जाती है, सत्ता आती है सत्ता जाती है, फिर से सत्ता आएगी, क्योंकि मिशन मूवमेंट हमारा चल रहा है, और युवा पूरा ललकार से कह रहे हैं कि संघर्षों के साय में इतिहास हमारा पलता है, और जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जमाना चलता है। हमारी बहनों ने ठान ली है, हमारी बहनों ने ठान ली है, युवाओं ने ठान लिया है, झोगी झोपड़ियों में रहने वालों ने ठान लिया है, लॉकडाउन में जो पैदल चल चल के आए हैं वो माताएं बहनों ने ठान लिया है कि हमको सुरक्षा रोजी रोजगार कपड़ा मकान कोई दे सकता है, तो सुश्री बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बहुजन समाज पार्टी दे सकती है, अन्यथा कोई नहीं दे सकता है, और ये इतिहास गवाह है। जब बहुमत की सरकार थी तो लाई नाडर ये विपक्ष मानता था, और बहन कुमारी मायावती जी कहती थी कि हम लोग जेलों में नहीं मरवाते थे, हम लोग संयंत्रों में नहीं मरवाते थे, लोग गुंडा खुद डर के मारे या तो गुंडा गर्दी छोड़ देते थे या तो ये भारत छोड़ के बाहर चले जाते थे, ये लाइन आर्डर बहन कुमारी मायावती जी। और हम लोग डॉक्टर अंबेडकर साहब के मानने वाले लोग हैं, और वोट की कीमत को हम लोग जानते हैं, यही झोगी झोपड़ियों में जा जाके समझा रहे हैं कि वोट से हम लोग इस सत्ता को बदल के फिर से बाबा साहब की विचारधारा वाला सरकार बनाने हम लोग जा रहे हैं, ये बता दीजिए सबसे। अच्छा अगर
मायावती जी प्रधानमंत्री बनती हैं तो ऐसा कौन सा काम करेंगे जो देश हित के लिए बहुत अच्छा होगा? सिंपल सी, यहाँ पे सभी लोग शिक्षित व्यक्ति हैं। संविधान समवर्ती और अर्धवर्ती सूची, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब मिलती है तो भारत के संविधान में संशोधन होता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी लोग हैं तो केंद्र से लेकर शिक्षा विरोधी नीति बना रहे हैं, तमाम लॉ जिहाद की नीति बना रहे हैं, तमाम युवाओं को बेरोजगार करके प्राइवेटीकरण की नीति बना रहे हैं। तो सिंपल सी बात, बहन कुमारी मायावती जी कोई मैनोफेस्टो नहीं होता है, वो संविधान ही है जो बाबा साहब का मैनोफेस्टो है। अगर हम केंद्र सरकार में आएंगे तो बस इतना बता देते हैं आपसे कि जब उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की 4 बार सरकार थी तो बौद्धमय भारत होते दिखाई दिया, जय भीम होते हुए पूरा लखनऊ से लेकर ग्रेटर नोएडा तक पूरा भारतमय होता दिखाई दिया। तो जिस दिन बहुजन समाज की पार्टी की सरकार आएगी, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व यानी युवाओं को रोजगार, रोटी कपड़ा मकान, बहन बेटियों को सुरक्षा यानी बाबा साहब का संविधान धरातल पे उतरता हुआ दिखाई देगा। कहां पे हमने बातें करी कुछ लोगों से मायावती जी के बारे में, मायावती जी अगर प्रधानमंत्री बनती तो कौन कौन से काम करेंगी? एक तरफ मोदी जी है जो काम कर रहे हैं, इस सरकार को से काफी लोग निराश हो चुके हैं और उखाड़ के फेंकने का दावा करते हैं। हो सकता है कि ये आखिरी बार मोदी जी का हो सकता है कि तीसरी बार भी वो आ जाए, आगे वाले देखने वाले में समय में पता चलेगा क्या होगा। यहाँ पे हमने बातें करी कुछ, इसका निष्कर्ष आपने क्या निकाला है कमेंट करके जरूर बताएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।